कुछ खास खास बातें मैं आपके सामने अर्ज करूं नसीहत के तौर पर। किसी भी गुफ्तगू से पहले दूसरी पहले पढ़ो अल्लाह एक बात और कहूं, ये 10 मिनट ही बोलने का है। 10 मिनट में आपकी निगाह मेरी तरफ हो, मेरी निगाह आपकी तरफ हो, तो आपकी पेशानी की लकीरें देखकर मैं समझ पाऊं कि कितनी बातें मैं आपके जहन में बिठा पा रहा हूं और किस तरह लगन से आप सुन रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह तआला ने हमें तुम्हें दो तरह के आजा दिए, एक जाहिरी एक बातिनी, एक अंदरूनी एक बाहरी। जाहिरी आजा वो है जो दिखने में आती है और बातिनी आजा वो है जो दिखने में नहीं आती। जाहिरी वो तो जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, चेहरा है, शक्लो सूरत है, और बातिनी चीज है दिल दिमाग कल्ब जिगर वगैरह। मुसलमान कामिल ईमान वाला पक्का सच्चा मुसलमान जब ही हो सकता है जो अंदर से भी मुसलमान देखे, बाहर से भी मुसलमान देखे, दिल में अल्लाह ताला और के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अज़मत का चिराग जल रहा हो, मोहब्बत रसूल का दिया दीपक रोशन हो और शक्ल भी वो हो, सूरत भी वो हो जो अल्लाह के रसूल को पसंद थी, यानी मुसलमान की थी। अगर दिल में ईमान है, शक्ल कुछ और है, समझ जाओ कमी है। सूरज भी अच्छी बना, सीरत भी अच्छी बना। एक सुहाबी है हजरत मुगीरा, उनकी बोछड़ी मतलब कुछ बढ़ गई, सरकार ने फरमाया मुगीरा तुम्हारी बोछे बढ़ गई है, काट लो। उन्होंने सोचा घर जाऊंगा कैंची से काट लूंगा। सरकार ने फरमाया मुगीरा इतनी मोहलता है, इतनी फुर्सतता है, ये कि हमारी विश्वास और इस पर अपने बड़े दो बाजू को रखकर चाकू से काट ले। जिससे मालूम हुआ कि बड़ी बड़ी पोछे रखना सरकार को नापसंद थी। ये बढ़ा ये घटा, ये कितनी घटा कि ऊपर के लंग थके ना, इसलिए कि इसकी नोक में जहरीला मानता होता है। आप खाना खाओगे या पानी पियोगे, ये पोछे डूबेगी, वो खाना पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए शरीयत ने इसके काटने का हुक्म दिया। हाँ ये बढ़ा, कितनी बढ़ा, मियां एक उठी से कम ना हो। बुरा ना मानो एक बात कह दो, देखो नमाज पढ़ते हो बड़ी अच्छी बात, ये फर्ज है, मगर एक मसला समझो, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एक बारिश जमीन किसी की हड़प ली, दाब लिया, तो मरने के बाद सातों तरफ जमीन का बोझ उसके सीने में धरा जाने का और सातों तरफ जमीन उसे धसाया जाने का। और एक बात और भी समझो, 20 पैसा देगा है, पहले पीला पीला सा निकला था 20 का सिक्का, अगर किसी ने कर्ज लिया 20 का सिक्का, आज तो वो है मियां कि 5 रुपया भी फकीर लेने को तैयार नहीं होता। 20 पैसे की बात हो रही है, अगर हमने आपने किसी से 20 पैसा उधार लिया, कर्ज लिया और दुनिया में नहीं चुकाया, तो कयामत के दिन 20 पैसे की वजह से 700 बबुल नमाजें देनी पड़ेंगी। इतनी 700, हम लोग जरा सोचे कि हमारी कितनी नमाजें कबूल हो रही है, हमारी नमाजों का क्या हाल है। मियां दो की नीयत बांधी, 3 के लिए खड़े हो गए, 3 की नीयत बांधी, 4 के लिए खड़े हो गए, 4 की नीयत बांधी, 2 पे सलाम भेज दिया,
फिर नमाज में उल्लू की तरह सोचते हैं, दो बढ़ाएगी तीन बढ़ाएगी दो बढ़ा, ये नमाज के अंदर सोचते हैं। हमने एक जगह नमाज बढ़ाई, असर की नमाज चार रकअत, मैंने तीन पे सलाम फेर दिया, किसी ने मुझे लुकमा ना दिया, हमने नियत बांध ली, अमेरिका पहुंच गए और हमारे मुक्तदी लंदन में घूमने लगे। अरे समझ में, ये है हमारी तुम्हारी नमाज। जो नमाजें मकबूल है, 20 पैसे की खातिर 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी। अब बता कितनी नमाजें हमारी तुम्हारी रह गई। अगर 1 रुपया ही हमने ले लिया और दिया नहीं, मुआफी ना कराई, बोलो क्या बनेगा। मगर हाँ, हमने एक ऐसे रसूल मकबूल का दामन थामा है जिसके मकबूल होने में अगर कोई शुबा करेगा तो उसका ईमान ही शुबे में पड़ जाएगा। सरकार हमारी हिमात करेंगे, सरकार हमारी मदद करेंगे, सरकार दौलत से बचाएंगे, सरकार जन्नत दिलाएंगे, सरकार खुदा के घर अदब से बचाएंगे। मैं ये कहना चाहता सरकार कि पनाह में तो आओगे, मगर जिस तरह आज हमने तुमने सरकार के चेहरे से अपना चेहरा फेर लिया, और सरकार ने कब्र में या कयामत में हमसे तुमसे अपना चेहरा फेर लिया, तो बोलो क्या बनेगा, कहां पनाह मिलेगी, कौन हमें निजात दिला देगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो सरकार हमारी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखे, तो सरकार की अदाओं को अपनाओ। मेरे भाई, मैं क्या कह रहा, गवर्नमेंट ने हजारों महकमे बना दिए, रेलवे, डाकखाना, पुलिस, फौज कचहरी वगैरह, हर महकमे की वर्दी अलग है, फौजियों का कपड़ा अलग है, पुलिस वालों का ड्रेस अलग है, मियां जो रेलवे में काम करता है उसकी वर्दी अलग है। अगर हजारों आदमी ने कोई फौजी आके खड़ा हो जाए तो आप पहचान जाते हो ये कोई फौजी रहता है, कोई पुलिस वाला खड़ा हो जाए तो आप कहते हैं कोई पुलिस वाला है। क्या देख के समझा, उसकी वर्दी देखकर, कपड़ा देखकर। अगर कोई सरकारी नौकर अपनी ड्यूटी के वक्त अपनी वर्दी में ना हो, पहले उसको समझाया जाता है, और समझाने पर ना माने तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह हम भी तुम भी सारे मुसलमान महकमे इस्लाम सत्र मुतफी हुकूमत इलाहिया के नौकर है। हमारे इस्लाम ने भी हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सारे मुसलमानों के लिए इलादा वर्दी, इलादा लिबास, इलादा पोशाक, इलादा शक्ल सूरत को अलग कर दी है। अगर लाखों काफिरों के बीच में खड़े हो जाओ, सब पहचान जा जाना चाहिए, वो मुस्तफा जान रहमत का गुलाम खड़ा है। हमने तुमने अपनी वर्दी छोड़ दी, हम तुम भी सदा के मुतहद बनोगे। एक बात और बताओ, मेरा इरादा ये होता है बाजार जाऊं, लोग हमारे भाई बनते रहे, सलाम करो, सवाब मिले, नेकियां हासिल हो। मगर देखा ये गया कि उनकी शक्ल ऐसी होती है कि सलाम करने के बारे में सोचना पड़ता है। हमने किसी को बदमाश समझ के कहा, भाई जान अस्सलाम वालेकुम, एक साहब बोले राम राम भैया। मैंने एक को कहा, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है। एक को कहा मैंने, भाई जान अस्सलाम वालेकुम, बोले नमस्ते। एक साथ मैंने कहा, भाई जान अस्सलाम वालेकुम, कहने कुछ नहीं समझती। हम बहुत शर्मिंदा हुए। हमारा इरादा यह होता है कि हम तुम्हारी दुकान से सौदा खरीदे, दो पैसा फायदा हो तुम्हें हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल ऐसी होती है, सूरत ऐसी होती है जो पहचान में नहीं आती। अगर तुम्हारी दुकान पे लिखा हुआ है ईसा भाई मूसा भाई की दुकान है, जब तक कोई बात नहीं, वरना बड़ी दुश्वारी होती है। खुदा से कलाम यह है, मुसलमान जैसी सूरत बना ताकि मुसलमान जैसी सीरत पैदा हो। मेरे भाई, किसी को नहीं मालूम कि किसकी मौत कहां होगी। अगर हम परदेश में हुए, कहीं मरवा गए, तो बोलो हमारे साथ क्या सुलूक होगा, क्या बर्ताव होगा, तुम्हें मालूम होगा। अलीगढ़ के एक आदमी का रेलगाड़ी में इंतकाल हो गया,
मरने वाला मर गया लेकिन अपने पीछे फसाद छोड़ गया। मुसलमान बोले हम तो दफन करेंगे, ये लोग बोले हम तो जलाएंगे। दोनों में झगड़ा होने लगा, तू निर्णय होने लगा। बुढ़े किस्म के लोग आए, लोग झगड़ा मत करो, हम इसका फैसला करते हैं। हजरत की पैर उतारो, अगर खतरा किया हुआ है समझ जाओ मुसलमान है, दे दे दफन करेगा, नहीं तो इनको दे दे जला देगा। हजरत की पैर उतारी गई तो पता लगा कि हजरत जी तो मुसलमान है। तो एक कैसी शक्ल सूरत दुनिया में भी खतरनाक है, मरने के बाद भी खतरनाक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो दोस्त, इस्लाम के हर काम में हिकमत है, चाहे समझ में आए तो ना आए तो। ये हमारी तुम्हारी समझ की कमी है। मिसवाक, मिसवाक कितनी लंबी हो एक बारिश, बोटी कैसी हो यू झुमलिया की तरह, मिसवाक सुन्नत है। और सवाल का यह आलम है कि अगर आप मिसवाक करके नमाज पढ़ोगे ना तो 70 गुना 50 और 20 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। दूसरी किताब में लिखा है 90 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। तीसरी किताब में लिखा है 400 गुना सवाब मिलेगा। ये तो सवाब है मगर फायदा क्या है? मिसवाक करोगे ना तो मिसवाक मुंह को साफ रखती है, सर की रगों को मजबूत करती है, हाजमे को बढ़ाती है, हाथा दुरुस्त रखती है, बलगम को काटती है, पित्त को दूर करती है, जागने को आसान करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी मिसवाक का आदि होगा हमेशा मिसवाक करेगा, मरते समय उसे कलमा पढ़ना नसीब होगा, कलमा पढ़कर मरेगा। और जो कलमा पढ़कर मरेगा ना सरकार ने फरमाया वो जन्नती है। भाई अच्छा उसी तरह दाढ़ी नाखून, नाखून अगर बड़े बड़े हो पहली बार को हर 8 दिन काटा करो, इसकी नोक में जहरीला पाता है। अंग्रेज छुरी काटने से दुख खाते हैं, नाखून नहीं काटे जाते। तुम्हारे इस्लाम ने कहा नाखून काटा करो, अगर 8 दिन से बड़े महीने बड़े हो जाए तो 8वें दिन का इंतजार मत कर, उसे पहले ही काट ले। सही है, उसी तरह दाढ़ी, देखो दाढ़ी सुन्नत है, सुन्नत है, और एक मुट्ठी रखना वाजिब है, एक मुट्ठी से कम करना हराम 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 है, मगर कुफ्र नहीं। लेकिन दाढ़ी की तौहीद करना ये कुफ्र है। दाढ़ी से क्या फायदा है? दाढ़ी से पहला फायदा तो ये है, दाढ़ी बंदे के चेहरे के लिए जीनत है, जिस तरह औरतों के लिए सर के बाल जीनत है, हमारे लिए तुम्हारे लिए आंखों की पलक वो जीनत है। अगर कोई औरत सर का बाल उठा दे, उठा दे, सफाकर मैदान करा दे, चकेर मैदान बना दे, बुरी लगती है। हम तुम ये साफ करा दो बुरे लगते हो। इसी तरह आदमी दाढ़ी उठाने से बुरा लगता है। दूसरी चीज ये है कि दाढ़ी से शाने बुजुर्गी मालूम होती है, उनको बुरा काम करते हुए लैंग महसूस होती है, कोई देख लेगा तो कहेगा ये तेरी दाढ़ी और ये तेरा धंधा। बात है बाकी बात है ना, मैं तुम्हें हल्दी मिसाल दे दू, बुरा मत बना रही हो और हंसी हो मती। आहिशा है बेहतरीन आई, ऐसा आई तुमने देखा ना होगा, गरज करे लोग लट्टू हो जाए जी। बेहतरीन माई ऐसी शानदार तकरीर करता था, आसपास में कोई मौलवी नहीं था। इमामत थी, बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ा था, सारी खूबियां थी, मगर मौलवी साहब में आयब था। वो क्या है? मौलवी साहब फिल्म देखा करते थे, सिनेमा देखते थे, फिल्म के आशिक थे, और वो इस तरह जाते थे कि तुमने इस तरह जाने वाला भी ना देखा होगा। अपनी बीवी का बुर्का ओढ़कर औरतों के साथ जाता और हॉल में औरतों में जाके बैठता।
एक दिन दो दिन तीन दिन याद रखो, अल्लाह ताला पहली दफा किसी को रुसवा नहीं करता, जलील नहीं करता, लेकिन जब बंदा अपनी आदत से मजबूर होता है ऐसे को अल्लाह ताला जलील कर देता है। मौली साहब का यही हाल हुआ, जब तक बाप का घड़ा नहीं भरा, दिन तरह बाप का घड़ा भरा, खुदा के अलाम में लगता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, ऑटो के साथ जा रहा था, चलते चलते ऑटो को शोभा हुआ, इसलिए कि ऑटो के चलने मर्दों के चलने में फर्क है, ऑटो के बैठने मर्दों के बैठने में फर्क है जी। ऑटो का शोभा हुआ कि दाने में कुछ काला है, पुलिस वाले को खबर गई, पुलिस आई, नकाब हटाया तो क्या लिखा, दाढ़ी वाली दुल्हन दिख रही है। पुलिस वाले बोले, ये क्या नाटक है, काजी मैं फया मस्जिद का इमाम हूं, अल्लाह से डर तो कम है, मुतवली का डर ज्यादा है, वैसे तो आ नहीं सकता इसलिए ऐसी हरकत करता। पुलिस वाले ने कहा, मौली साहब तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, जिस नबी की गद्दी पे बैठ कर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है और तेरा ये धंधा, ऐसी गैरत सवार हुई, ऐसी हया आई, ऐसी शर्म हुई, मियां इमामत गई, खिताबत गई, कहन गई, मस्जिद में जाना भूला, घर में घुसा तो फिर उनकी लाश ही निकली है। अखीर में चलते एक अक्षर बोल जाओ, दोस्तों आप दुनिया में रहते हो, खूब रहो जब तक आपकी जिंदगी है, मकान बनाते अच्छा अच्छा मकान बनाओ, कोई बुरी बात नहीं, आप खाते हो बढ़िया बढ़िया सौदा खाओ, कोई बुरा बुरी बात नहीं, आप कपड़ा पहनते हो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, कोई बुरी बात नहीं, मगर दीन वही 1400 वर्ष पुराना हमारा अख्तियार करो, हमारा नबी पुराना, काबा पुराना, कुरान पुराना, खुदा ताला कदीम, हम उस रंगीन के फकीर है, उस मौलवी के पास बैठो जिसके पास बैठने से अल्लाह रसूल से मोहब्बत पैदा हो, और आज मस्जिद है हमसे तुझसे आबाद होना चाह रही है, अपने से अपने औलाद से मस्जिदों को आबाद करो। क्या तुमने ना सुना, अगर तुम खुदा के घर को वीरान करोगे खुदा तुम्हारे घरों को वीरान फरमाएगा, तो अगर ये चाहते हो हमारा घर वीरान ना हो, हमारा घर आबाद हो, हमारे बाल बच्चे आबाद हो, हमारी खेती आबाद हो, और यहाँ हमारा माहौल आबाद हो, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि खुदा के घर को आबाद करो, और अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा करो। अरे हम तुम जाहिल रह गए, अपने औलाद को काहे को जाहिल बना रहे हो, कम से कम इतना तो पढ़ा दो कि मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान बनकर रहे, वो खातिमा बिल खैर नसीब हो, अल्लाह ताला सारे मुसलमान को कबूल है कि तौबियत फरमाए, मुबारक है बला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।